हेलो फ्रेंड्स, आज बचे हुए कपड़ों में से हम ब्लूमर बनाने जा रहे हैं 5 साल की लड़की के लिए। ये देखिए, हमने 4 फोल्डेड कपड़ा है और ये एक्स्ट्रा कुछ लंबा बढ़ा हुआ है, तो हम ये बढ़ा हुआ कपड़ा अलग करके निकाल दे रहे हैं। ये काट के अलग कर दिया। अब ये देखिए, हमारा ये लंबा टुकड़ा है, इसे हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया और फिर एक बार फोल्ड किया, तो ये 4 फोल्डेड कपड़ा बन गया है। ये देखिए, ये हमारा खुला तरफ है। यूँ हम इसे सही से एडजस्ट कर लेंगे। ये 4 फोल्डेड कपड़ा हो गया है, ये खुला तरफ है और इधर दूसरी तरफ बंद तरफ है। तो हम खुली तरफ निशान लगाना शुरू करेंगे। लंबाई आप पहले देख लीजिए, हमारे 13.5 इंच लंबाई रखी है और 11.25 इंच चौड़ाई है इसकी। ये 5 साल की लड़की के लिए परफेक्ट है, थोड़ा लूज रहेगा। अब हम सबसे पहले 10.5 इंच पे ऊपर से एक मार्क नीचे लगाते हैं यूँ। उसके बाद हम अगर क्रॉच एरिया वाला बनाते हैं तो इसमें 2 इंच की गोलाई देते हैं, वो हम यहाँ नहीं करेंगे। हम यहाँ 1 इंच पर ऊपर की तरफ एक ऐसे मार्क लगाते हैं और फिर ये जो 10.5 इंच वाला मार्क है, इसे ऊपर वाले 1 इंच वाले मार्क से यूँ तिरछा मिला लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ म्यानी लगा के बनाने वाले हैं ये ब्लूमर। उसके बाद 1 इंच का नीचे भी यूँ मार्क करते हैं, ये हो गया। और उसके बाद इस मार्क को भी ऊपर वाले 10.5 इंच वाले मार्क से यूँ सीधा मिला लेते हैं। ये दोनों मार्क मिल गए। अब हम कैंची के साथ इसको कटिंग कर देते हैं। ये कट गया और ये ऊपर भी कट गया। इसके बाद हम म्यानी काटेंगे। ये म्यानी वाला ब्लूमर है, इसमें बहुत ही कंफर्टेबल बनता है। बचे हुए टुकड़े को हमने इस तरह से फोल्ड किया है, ये देखिए। इसको एक बार हम और फोल्ड करेंगे। ये हमने एक बार फोल्ड किया, लंबाई हम अभी दिखाते हैं आपको। ये फिर दोबारा एक बार फोल्ड किया, फिर दोबारा फोल्ड कर लिया। अब हम 6.5 इंच पर इस 4 फोल्डेड कपड़े पर मार्क करेंगे। देखिए, 6.5 इंच के करीब पे 6 इंच पे मार्क कर दिया। उसके बाद आप देखिए, चौड़ाई जो है वो 2 इंच है, यानी 6x2 इंच का यहाँ था कपड़ा। हम यहाँ ऊपर का जो ये बीच का पॉइंट है, जो बंद वाला सिरा है, उसे नीचे वाले सिरे तक अंत में मिलाएंगे। ये 6.5 इंच की ये वाली लाइन है। अब हम यहाँ से काट लेंगे म्यानी। 2 म्यानी हमें मिलेगी, ये है हमारी, 2 म्यानी मिल जाएंगी हमें। यहाँ से हमने ये से इस तरह से काट लिया, ये हमारी 2 म्यानी तैयार हो गई। अब हम इसमें कहाँ लगाएंगे वो देखिए। इस तरह से हमें यहाँ ये लगानी है म्यानी से, बहुत ही लूज़ और बहुत आराम से। ये 2 पहचे हमारे पहले ही बन गए, इनको हम आपस में थोड़ा सा जुड़ा है, अलग कर दिया ये दोनों पहचों के बीच। इस तरह से म्यानी आने वाली है। अब कैसे इसकी स्टिचिंग करेंगे, बहुत ही आसान है, आप बहुत जल्दी इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। इस तरह से ऊपर हम लास्टिक डालने वाले हैं और नीचे भी लास्टिक डालने वाले हैं और म्यानी भी साथ में होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पहचे को लेके उसमें जहाँ 10.5 इंच का मार्क था, वहाँ से म्यानी इस तरह से जोड़ते हैं। दूसरी तरफ भी इसी तरह करते हैं, 10.5 वाले मार्क से यूँ म्यानी सीधी जोड़ लेते हैं। इस तरह एक टुकड़े में दोनों म्यानी जोड़ जाएगी। तो चलिए म्यानी जोड़ते हैं। हमने 10.5 वाले मार्क से रख ली थी म्यानी और ऊपर तक यूँ एक साइड में जोड़ दी। ये लॉक भी करते हम साथ में जा रहे हैं। अब दूसरी, ये एक म्यानी जुड़ गई, अब दूसरी साइड भी हम दूसरी म्यानी जोड़ेंगे, वो भी 10.5 वाला जो मार्क लगाया था वहीं से जोड़ेंगे। ये देखिए, एक ही पहचे में हमने दोनों म्यानी जोड़ ली। अब दूसरा पहचा लेंगे और दूसरे पहचों पर ये जो 10.5 इंच वाला मार्क है, वहाँ से ले जाते हुए यूँ करके म्यानी ऊपर तक जोड़ेंगे। आप ये कह सकते हैं ऊपर से यूँ सिलते हुए आएंगे और फिर यूँ म्यानी सिल देंगे। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे कि ऊपर तक से दोनों पल्ले मिला के यहाँ तक सिलेंगे और फिर म्यानी से सिल लेंगे मार्क तक। इस तरह से हमें सिलाई करनी है एक यहाँ दोनों तरफ। इस तरह से हमने, ये देखिए, म्यानी वाला हिस्सा नीचे रखा है और दूसरा हिस्सा ऊपर रखा है। इस तरह से दोनों पैचे आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखिए, आप म्यानी में सिल देंगे यूँ, और ये वही 10.5 इंच के मार्क तक ही सिलना है। दोनों तरफ हमें इसी तरह पहचे जोड़ने हैं आपस में। ये एक जुड़ गया, ये देखिए इस तरह से जुड़ के आया है। ये म्यानी है हमारी। अब दूसरी तरफ भी हम यही करेंगे, म्यानी वाले पोर्शन को हम ऊपर से एकदम सिलते हुए लाएंगे। अब की बार म्यानी वाला पोर्शन ऊपर रखा है हमने, उसको इस तरह से रखा हमने और ये लॉक किया थोड़ा सा, और फिर इसे इस तरह से सीधे सिलते लाए, यहाँ तक सीधे सिलते लाए। अब म्यानी से जोड़ देंगे और वहीं 10.5 इंच के मार्क तक जोड़ेंगे। इस तरह से ये जुड़ गया, दोनों पैचे जुड़ गए हैं अब ऐसे।
देखिए इस तरह का लुक आ रहा है, दोनों तरफ की म्यानी आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ पहले धागा काट दे रहे हैं, फिर ऊपर की तरफ हम 1 इंच का इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे पूरे में इलास्टिक वाला हिस्सा है, यहाँ पे पूरी सिलाई करेंगे और नीचे भी 1/4 इंच की इस तरह से डबल फोल्डिंग करते हुए सिलाई करेंगे। दोनों ही तरफ सिलाई करना है। तो हम सबसे पहले ऊपर कमर वाली पट्टी मोड़ रहे हैं, डबल फोल्ड कर लिया है, ये लगभग 1 इंच की मोड़ान हमने की है। यहाँ पे हम 1/4 इंच की इलास्टिक डालने वाले हैं, इस तरह से पूरा करना है। इसके बाद नीचे भी हम 1/4 इंच की मोड़ते हुए पट्टी जाएंगे। यहाँ हम 0.25 इंच की इलास्टिक डालने वाले हैं, पूरे में इस तरह से सिलेंगे। दोनों पैचों में हमें इसी तरह से सीधी बखिया डालनी है डबल फोल्ड करते हुए। ये एक हो गया, दोनों तरफ मोड़ने के बाद इस तरह का लुक आएगा। अब हमने 2 इलास्टिक ले ली है पैचे के हिसाब के लिए और पिन लेंगे। ये यहाँ हमने सेफ्टी पिन लगा ली अपने, और नीचे जो मोड़ा है वहाँ पे हमने ये 0.25 इंच की इलास्टिक को यूं नीचे डाल लिया। ये दोनों तरफ हम थोड़ी सी निकली हुई रखेंगे, आप देखेंगे थोड़ी सी निकली हुई रखेंगे क्योंकि अभी हमें नीचे की क्रॉच एरिया की सिलाई करनी है। यहाँ पिन हम लगा देंगे जिससे ये अंदर ना चली जाए, क्योंकि अगर पिन नहीं लगाएंगे तो ये अंदर चली जाती है। इसी तरह दूसरी साइड भी करेंगे। इसे देखिए लगभग थोड़ा सा निकला हुआ छोड़ेंगे और इस साइड भी पिन लगा देंगे। दोनों तरफ हमें इस तरह से पिन लगा लेना है। ये दूसरी तरफ भी हमें पिन लगानी है। दोनों ही पैचों में हमें ऐसे ही करना है, पिन लगाना है और इलास्टिक डाल लेनी है। दोनों पैचों में ऐसे करके फिर बाद में बीच की सिलाई करेंगे। हम दोनों तरफ ऐसे करेंगे। ये हमने इलास्टिक डाल ली है। अब हम इसे उल्टा करके दोनों एंड्स को यूँ इलास्टिक वाला हिस्सा ये थोड़ा बाहर निकाला रखा है रहेंगे और इस तरह यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलाई कर लेंगे। और ये पक्की सिलाई करेंगे और इलास्टिक डालेंगे ऊपर की तरफ। ये काम तो हम ये बीच वाली सिलाई कर ले रहे हैं, ये पक्की सिलाई हम करेंगे। ये देखिए म्यानी पे भी हम थोड़ा सा बार बार सिलाई कर दे रहे हैं। ये हो गया, इस तरह से ये सिल गया। ये अब ये लुक आया है। अब हम यहाँ से थोड़ी सी सिलाई खोल देंगे बीच में और उसमें सेफ्टी पिन की मदद से फिर प्लास्टिक डालेंगे। ये थोड़ी सी सिलाई हमें खोलनी होगी क्योंकि हमने खोलते हम हमेशा बाद में हैं। तो ये खोल ली हल्की सी और दूसरी पिन में हमने इलास्टिक डाली हुई है। ये इलास्टिक 1/2 इंच वाली है और उसे इस तरह से पूरे में डाल के बाद में सिलाई करेंगे। इस तरह से ये हो गया, इस तरह से ये इलास्टिक हमने पूरे में डालनी है। ये हमने इस तरह से इलास्टिक डाल ली है। अब इसे दोनों कोनों को इस तरह से लेके साथ में सिल देंगे मजबूती से। कोने सिल दिए हैं, अब हम इसे खींच कर एडजस्ट कर देंगे। सारी इलास्टिक अंदर चली जाएगी जो हमने इलास्टिक के लिए वो बनाई है जगह। ये देखिए इस तरह से म्यानी और दोनों तरफ इलास्टिक वाला ब्लूमर तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएगा। थैंक यू।